નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમ છો બધા આજે આપણે ધોરણ પાંચમાં હિન્દી સબ્જેક્ટમાં કવિતા નંબર ત્રણ નન્હા મુન્ના રાહી હું શીખીશું આ એક બાળ ગીત છે તમે છવ્વીસ જાન્યુઆરી પંદરમી ઓગસ્ટ જેવા દિવસોમાં આ ગીત ઘણી બધી જગ્યાએ સાંભળ્યું હશે આ ગીત દ્વારા તમારા જેવા નાના બાળકો પોતાનો દેશ પ્રેમ વ્યક્ત કરે છે તો આપણે સૌથી પહેલાં આ ગીતને સાંભળીશું ત્યાર પછી હું તમને આ ગીતની સમજૂતી આપીશ તો ચલો સૌથી પહેલાં આપણે આ ગીતને સાંભળીએ आप ने इस बाल गीत को सुना आप सबको इस कविता को याद करनी है यानी कि मुखपाठ करनी है एक बार आप नोटबुक में तो लिखोगे ही लेकिन आपको इस कविता को याद भी करना है अब आगे मैं आपको इस कविता को इस बाल गीत को समझाऊंगी ओके तो चलो अब हम इस बाल गीत को समझते हैं ये कविता शकील बरदायू ने लिखी हुई है इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे उसे कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा देश में रहने वाले लोग शांति से रहे एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की भावना है अब हम इस कविता को समझते हैं तो नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद ये छोटा बालक क्या कहता है मैं नन्हा मुन्ना राही हूँ नन्हा यानी छोटा सा राही यानी यात्री हूँ मैं एक छोटा सा यात्री हूँ लेकिन किस रास्ते का यात्री हूँ मुसाफिर हूँ मैं इस देश भक्ति के रास्ते का छोटा सा मुसाफिर हूँ देश का सिपाही हूँ और मैं छोटा हूँ फिर भी मैं इस देश का सिपाही सिपाही यानी सैनिक हूँ मुझे छोटा मत समझो हाँ मैं छोटा सा राही जरूर हूँ इस देशभक्ति के रास्ते का लेकिन मैं देश का सिपाही देश का सैनिक भी हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद तो चलो तुम सब लोग मेरे संग संग यानी साथ मेरे साथ क्या बोलो जय हिंद यानी कि मेरे हिंदुस्तान की जय हो ये छोटा बालक है लेकिन उसकी सोच कितनी बड़ी है आगे रास्ते पे चलूँगा न डर डर के चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के बालक कहता है मैं देशभक्ति के रास्ते का राही हूँ और इस राही इस राही यानी इस रास्ते पर चलते चलते मुझे चाहे कितनी भी मुसीबत आए कितनी भी बाधाएं आए मैं डर डर के चलने वालों में से नहीं हूँ मैं चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के मुझे चाहे कितनी भी कष्ट कठिनाइयाँ आए हाँ कष्ट सहन करने हो फिर भी मैं इस रास्ते पर डर डर के चलने वाला नहीं हूँ ओके आगे मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम तो इस रास्ते पर देशभक्ति के रास्ते पर मैं डर डर के तो नहीं चलूँगा लेकिन जब तक मुझे मंजिल प्राप्त न हो तब तक मैं दम नहीं लूँगा दम नहीं लेना यानी आराम नहीं करूँगा मैं इस रास्ते पर चलता ही चला जाऊंगा तो आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम कदम यानी पैर तो मैं इसी तरह इस देशभक्ति के रास्ते पर चलता ही चला जाऊंगा मैं कहीं रुकने वाला नहीं हूँ जब तक मुझे मंजिल प्राप्त न हो जहाँ मुझे पहुँचना है जितना मैंने सोचा है वो मैं कर ना लूँ तब तक मैं वैसे ही चलता चला जाऊंगा आगे दैन बाएँ दहीने बाएं बाए, थम मैं वैसे ही आगे ही आगे दइने बाएं करते हुए चला जाऊंगा आगे नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ तो इस प्रकार मैं नन्हा सा छोटा सा हूँ लेकिन इस देशभक्ति के रास्ते का सिपाही हूँ और देशभक्ति के रास्ते पर चलने वाला यात्री हूँ और देश का सिपाही भी हूँ आगे धूप में पसीना में बहाऊँगा जहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ डरती पे पापी न पाएंगे जन्म आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम अब ये बालक क्या कहता है कि मैं बोलने वालों में से नहीं हूँ मैं काम करने वालों में से भी हूँ तो मैं इस धूप में मैं जब चलूँगा तब मुझे पसीना होगा तो पसीना होगा तो मैं मेरे पसीने से जहाँ भी पसीना जहाँ भी गिरेगा वहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे तो वहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे लगेंगे यानी कि वह मन में काम करना भी चाहता है वह अकेला चलना या बोलना नहीं चाहता वह कहता है कि मैं इस रास्ते पर चलूँगा तब मुझे धूप लगेगी मुझे धूप लगने से पसीना आएगा तो मैं पसीना बहाऊंगा ऐसा काम भी करूंगा और इस तरह मेरे पसीने से ये सारे खेत है वह कैसे हो जाएंगे हरे हरे हो जाएंगे और धरती पे पापी न पाएंगे जन्म और मेरे होते हुए इस धरती पर इस जमीन पर मेरे देश में कोई पापी पा न पाएंगे जन्म कोई पापी जन्म नहीं लेगा आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम इसी प्रकार मैं आगे ही आगे बढ़ता चला जाऊंगा कैसे दहिने बाएं दहिने बाए हम नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ तो बालक कितना अच्छा सोचता है वह कहता है कि मेरे चलने से मुझे धूप लगने से मुझे जो पसीना आएगा इससे क्या होगा हरे हरे खेत लहराने लगेंगे मेरे देश में मैं वैसा काम करना चाहता हूँ और साथ में मेरे होते हुए मैं इस देश में हमारे देश में किसी पापी को जन्म नहीं देने दूंगा और इस प्रकार मैं आगे ही आगे चलता चला जाऊंगा अब आगे बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा रखूंगा ऊंचा तिरंगा हर दम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम बाएं दाहिने बाएं बाए थम नन्हा मुन्ना राही हूं देश का सिपाही हूँ तो अब ये बालक क्या सोचता है बालक सोचता है कि मैं जब बड़ा होगा तब मैं बड़ा होकर इस देश का सहारा सहारा यानी आधार बनूँगा मैं इस देश का आधार बनना चाहता हूँ और इसके साथ में जब मैं ऐसे काम करूँगा अच्छे अच्छे काम करूँगा जिससे मैं दुनिया इस दुनिया का आँखों का तारा यानि बहुत प्यारा होना तो मैं इस दुनिया को आँखों का तारा पर भी बन जाऊंगा, तारा बनूंगा यानी कि बहुत प्यारा होऊंगा, तो मुझे दुनिया के लोगों से बहुत प्यार मिलेगा तो मैं ऐसे अच्छे अच्छे काम करना चाहता हूँ कि मैं बड़ा होकर देश को तो सहारा दूँगा ही लेकिन देश को सहारा देने के साथ साथ मैं दुनिया के लोगों से प्यार भी लुटाऊंगा साथ में क्या करेगा वह रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम अपना तिरंगा अपना झंडा मैं हमेशा के लिए ऊंचा ही रखना चाहता हूँ हमारे देश के जो खिलाड़ी है हाँ जो प्लेयर्स है फिर हमारे देश के सैनिक है पुलिस है डॉक्टर है सब लोग अपने देश को हमेशा आगे ही बढ़ाना चाहते हैं है ना? ऐसे काम करते हैं जिससे हमारे देश का नाम हो तो मैं भी इन लोगों की तरह मैं भी अपने झंडे को अपने तिरंगे को हरदम ऊंचा ही रखूंगा आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम इस प्रकार मैं आगे ही आगे अपने कदम बढ़ाता चला जाऊंगा इसी प्रकार मैं देशभक्ति के रास्ते पर आगे ही आगे चलता जाऊंगा मैं भले छो, छोटा सा हूं लेकिन मेरे विचार कैसे है बहुत बड़े है आगे क्या कहता है शांति की नगरी है मेरा यह वतन सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम दाइने बाएं दाइनी बाएं थम नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ तो अब ये बालक क्या कहता है शांति की नगरी है नगरी यानी ये शहर है ये कैसा है शांति का शहर है हमारे झंडे में जो वाइट कलर है वो शांति का प्रतीक है तो इस तरह हमारी नगरी भी कैसी है शांति की नगरी है हमारा जो देश है वो शांति का प्रतीक है तो मेरा ये वतन है मेरा ये देश है वह शांति का शहर है और मैं सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन व्यवहार आचरण चलन यानी व्यवहार आचरण तो मैं हमारे इस शांति की नगरी में रहने वाले सब लोगों को मैं प्यार का चलन सबको एक दूसरे से प्यार से कैसे रहने रहे जाते हैं हाँ प्यार से प्रेम पूर्वक कैसे व्यवहार किए जाते हैं है? वह सब मैं सबको सिखाऊंगा और साथ में मैं दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम मैं हमारे दुनिया में मैं अपने दुनिया में अपने देश में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा मैं अपने देश की रक्षा भी करूंगा मैं अपने देश में कोई निर्दोष लोग को मरने नहीं दूंगा क्योंकि पापी लोग जन्म लेते हैं तो फिर वो लोग अपने पाप देश में फैलाते हैं और इस प्रकार वह निर्दोषों को मार देते हैं लेकिन मैं कोई पापी को भी जन्म नहीं देने दूंगा और साथ में इस दुनिया में कहीं भी बम भी नहीं गिरने दूंगा इस प्रकार मैं आगे ही आगे अपना कदम बढ़ाता चला जाऊंगा तो दाहिने बाहें दाहिने बाहें थम नन्हा मुन्ना राही हूँ सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि एक छोटा सा बालक जो इतना सब कुछ सोच सकता है तो हमें भी हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए और इसके लिए आप लोग को आप जैसे छोटे बच्चे को अभी से सोचना पड़ेगा कि क्या मैं कर सकता हूँ बरोबर ना ये छोटे बच्चे ये छोटा सा बच्चा है लेकिन कितने बड़े बड़े खाई से रखता है वो ऐसे रास्ते पर चलता है जहाँ उसे डरने डराने वाले बहुत लोग हैं लेकिन वो क्या करता है मैं किसी से डरने वालों में से नहीं हूँ मैं अपने कदम ऐसे ही आगे बढ़ाता चला जाऊँगा जहाँ तक जब तक मुझे मंजिल न प्राप्त हो मैं जब ऐसे रास्ते पे चलूँगा तो मुझे बहुत कष्ट आएंगे, मुसीबतें आएंगी मैं किससे डरूँगा नहीं और जब मैं ऐसे रास्ते पे चलूँगा तब मुझे बहुत पसीना होगा और मेरे पसीने से हरे हरे खेत लहराने लगेंगे और साथ में मैं मेरे देश में कोई पापी, पापी यानी दुष्ट जल को जन्म नहीं लेने दूंगा और मेरे देश में किसी को पाप फैलाने नहीं दूंगा इसी प्रकार मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा फिर साथ में मैं मेरे देश का सहारा भी बनूंगा मैं ऐसे अच्छे अच्छे काम करूंगा जिससे मेरे देश को मेरा सहारा मिले साथ में मैं देश का सहारा क्यों बनना चाहता हूं क्योंकि देश के लोगों से भी मैं बहुत प्यार करता हूं इसलिए मैं देश का सहारा बनकर देश में रहने वाले लोगों का आंखों का तारा बनना चाहता हूँ और इस प्रकार मैं मेरे तिरंगे को मेरे झंडे को भी आगे ऊंचा ही रखना चाहता हूँ और साथ में ये बालक क्या कहता है मेरी नगरी कैसी है शांति की नगरी है मेरी नगरी में मेरे वतन में शांति ही शांति रहती है और इसलिए मेरे नगरी में रहने वाले लोगों को मैं प्यार का व्यवहार प्रेम पूर्वक कैसे रहा जाता है वह भी सिखाऊंगा। तो इस प्रकार ये बालक अपने देश प्रेम को इस कहानी सॉरी इस कविता में व्यक्त करता है आशा है कि आपको इस कविता की समझ हो चुकी होगी फिर से इस कविता को सुनना और उसे याद करना और फिर उसको समझना ओके